देखो ओ भाई ये गोल्ड का आइकन ले रहा है, गोल्ड का गोल्ड मुंबई तो आता है साउंड राउंड तो इसके अभी दिखा एग्जांपल जैसे आओ मी अरे आवाज नहीं आ रही राधे भाई थोड़ा नेटवर्क लगाना पड़ रहा है। हाय मेरा नाम है ओम और मेरे साथ है राधे भाई और आज ये मीटर क्या है इसके बारे में राधे भाई बताएंगे। उससे पहले हम आए हैं दर्रा दर्रा लाइक ऐसे दरारें होती हैं इसमें होता क्या राधे भाई आपको ज़्यादा पता है इसके बारे में एक बार बताओ। पता नहीं जो दोस्तों माइन वगैरह होती है माइन के बारे में आपने सुना होगा वैसे ही ये जो जगह है ना यहाँ पे मुंबई चारों तरफ खदानें ठीक है और बहुत से मजदूर काम भी करते हैं लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि ये जो खदानें यहाँ खुदना स्टार्ट हुआ ना खनन का काम उससे पहले कुछ कोई कबीले वगैरह या पता नहीं कौन रहते थे जो राजा महाराजाओं के जो किले होते ना उनके सेवादार होते थे और उनका बसेरा रहता था यहाँ पे तो उन्होंने कोई खजाने, कोई खजाना या कोई धन है जो यहाँ पे गाड के रखा है मतलब अंदर। पहले के जमाने के टाइम पे लोग ना अपने जो धन वन होते थे ना वो जमीनों में डाल गाड़ के रखना दीवारों में गाड़ देना ऐसे छुपा के रखा करते थे तो आज भी लोग यहाँ पे आते हैं सोना चांदी ऐसे कुछ ढूंढ। तो आज हम भी लेके आए हैं इसको राधे भाई क्या बोलते हैं इसको मेटल डिटेक्टर। ये ना अगर सोना वोना कुछ भी होगा उसको ये करेगा जो भी राधे भाई मतलब वो करेगा। तो अभी क्या करते हैं इसको स्टार्ट करते हैं और दरा स्टार्ट कहाँ से दरा यहीं से स्टार्ट है एग्जैक्ट मुंबई वो लोकेशन हमें पता नहीं है लेकिन इसको यहीं से स्टार्ट कर लो सर्च करते हुए चलते हैं ठीक है शायद ये कहीं से बताए तो। और कहते हैं ना कि यहाँ पे एक चुड़ैल भी देखी जाती है ऐसा कुछ कहा जाता है बिल्कुल और इसकी रखवाली के लिए शायद वो जैसे क्या होता है कि आपने सुना होगा कि सोने की रखवाली के लिए सांप रखे हुए हैं तो कहते हैं इसकी रखवाली के लिए वहाँ पे एक चुड़ैल है उसको दरा की चुड़ैल बोलते हैं और जिसने ये सोना ले गया ना वो उसके पीछे लग जाती है उसके पीछे तक लग जाएगी फिर उसको परेशान करेगी उसको दिखते ऐसा कहा जाता है। मेन इम्पोर्टेंट चीज क्या है ओम भाई यहाँ की मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को यहाँ पे गोल्ड मिला भी है ठीक है मिला है बिल्कुल बहुत से लोगों को मिला है और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है दोस्तों। सीरियसली हम पूरी जांच करके बारीकी से फिर यहाँ पहुंचे तो आप देख लो रिस्क कितना है ठीक है यहाँ आगे बढ़ने से पहले अगर सोना वोना मिलता भी है ना तो लेके जाएंगे हम छोड़ देंगे बिल्कुल। तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं साइड में बटन है इसका ऑन कर लेते हैं एक बार और जो भी चीज होगी भैया पास में कर लो एक बार कैमरा तो इनके भी समझ में आ जाए। अगर इस पे हो तो लोहा है बिल्कुल इस पे अगर ब्लिंक करता तो लोहा है इस पे ब्लिंक करने में क्या आता है इसमें कोई भी जैसे तांबा वगैरह जो है ना और ये देख रहा आपको ये गोल्ड गोल्ड सॉरी ये गोल्ड आ जाएगा इधर ये गोल्ड का और ये सिल्वर का ये सिल्वर का तो ये मेन चीज है। अगर इस पे क्लिक ये इस पे अगर कुछ आता है साउंड वाउंड तो जैसे अभी देखो एग्जांपल जैसे ये आयरन है अभी मेरे हाथ में तो ओम भाई करके देखो आप ये गोल्ड में दिखा रहा है पर ये आयरन आयरन ब्लिंक कर रहा है देखो आप ये देखो थोड़ा सा रीडिंग में इसको टाइम लगता है लेकिन उसके बाद जब पकड़ लेता है तो आयरन में दिखा रहा है। तो इसके बाद दर्रा में ये ढूंढने आए हैं कि हमें गोल्ड मिलता है या नहीं और अगर गोल्ड ढूंढने जाते हैं तो वो चुड़ैल से सामना होता है या नहीं चलो चलते हैं। तो इसको पूरा बाहर निकाल लो आप यहाँ पे जानवर का खतरा भी लग रहा है मुझे। हाँ जानवर है ना यहाँ सूरज ढलने के बाद में कोई नहीं रुकता यहाँ यहाँ वही लोग आते हैं कोई तांत्रिक को लेके आ रहा है कोई किसको लेके आ रहा है के चक्कर में बिल्डिंग करी थी एक बार आ जाओ थोड़ा और आ जाओ अभी लास्ट टाइम जब यहाँ से जो खजाना निकला था ना मुंबई वो जगह है वहाँ पे और उस जगह चलते हैं जहाँ पे लास्ट बार खजाना निकला था लेकिन वो जो जिस बंदे को मिला वो पागल हो चुका है मुंबई पूरी तरीके से जो सोना लेके गया था वो पागल हो गया इसकी वाला काम भी है राधे भाई ये तो बिल्कुल यहाँ पे वैसे देखो यहाँ पे मीटर आप लगा के देखो शायद मशीन में कुछ तो उधर 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 पीछे आपके पांव के यहाँ वो इधर से आवाज आई यार वहां की तरफ ना कोई आवाज आई उधर से यार किसी के चिल्लाने की शायद
क्या यहाँ कोई है? मुंबई कहा जाता है कि जैसे ही इसकी परिधि में आते हैं ना तो वो चीज एक्टिव हो जाती है जो इसकी रखवाली कर रही है। उधर 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 पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे आज भी रखवाली करने के लिए वो चुड़ैल यहाँ घूमती है। आओ यार देखते हैं। आगे आगे बढ़ो तेरा मुंबई और आगे बढ़ो। धीमे से आवाज आ रही है। हाँ ये देखो सर जो ना कुछ भी यार यहाँ पे ना अभी अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो उम्र फिर से वही आवाज इसी पायलों के वास्ते आ रही है। कोई चल के आ रहा है जैसे अपने पास है ना इसी पायलों के वास्ते। करो भाई जगह तो यही बताई है और इसी थोड़ा आवाज अजीब सा आ रहा है यहाँ पे। इस तरफ देखो भाई उस तरफ नहीं है। ये हल्का सा ब्लिंक ब्लिंक भी हो ना। ये आगे वाली जो खदान वाला रास्ता जा रहा है ना ये वाला यहाँ इस तरफ देखो एक बार शायद हो ना हो। चारों तरफ करो। एक मिनट पीछे हाँ यही मुंबई एक बार खुदाई की कोशिश करे थोड़ा सा खोद के देखे यहाँ पे कुछ तो। ये देखो वो देखो पूरा दिखा रहा है गोल्ड कंफर्म कुछ तो है यहाँ या तो तांबा है गोल्ड पे या फिर गोल्ड है दोनों में से एक चीज है यहाँ पे। खोदेंगे यहाँ पे खोदने की ट्राई करते हैं यहाँ पे तो अभी राधे भाई खोदने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे और देखते हैं। देखो एक बार मशीन लगा के देखो वापस स्पीड बढ़ रही है ना इसकी। ओए आवाज आई है भाई आवाज आ रही है। अपन जल्दी करते हैं ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। देखो बढ़ रहा है जैसे जैसे ना कर रहे हैं ना देखो गोल्ड आ रहा है ना अभी भी पूरा। हटाओ मशीन को हटाओ वो आवाज भी ज्यादा पास में लग रही है जैसे अपनी तरफ बढ़ रही है। चिल्ला उल्ला रहा है कैमरा लाइट के साथ तो कैमरा सर दिखता नहीं है ना। मुंबई एक बार वापस लगा के देखो। ओ भाई भाई किसने खींचा मुंबई पीछे करो भाई कैमरा पीछे करो एक बार यार मुंबई इधर कोई गया कसम से यहाँ पे एक बार देखने कहाँ सामने चले क्या ये ले लो भाई सामने का पता नहीं बाकी मुंबई कसम से किसी ने पीछे से खींचा है। एक बार आपको देखते हैं कौन था आपने देखा सामने क्या रुपया है भाई। हाँ भाई चारों तरफ करो एक बार कैमरा चारों तरफ करके देखो यार क्या चीज थी शायद ये खजाने की है ना शायद कोई ये देखो डराने के आवाज वापस नोटिस करना कोई डराने के लिए कर रहा है ये। ओए मुंबई अंदर से आ रही है आवाज अंदर चलो ये पूरी जगह चापे चपोर पोतरी ये कहां गया पेड़ देखो यार पेड़ देखो ओ भाई मुंबई एक बार है ना मशीन को ऑन करो यहाँ पे भी यहाँ तक मैं भी नहीं आया कभी कसम से। उधर करना पेड़ के पीछे ये कोई है आओ ना आओ यही चीज थी क्या मुंबई यही था यही मुंबई आगे मत बढ़ो कसम से। अरे यार ये कोई देखो कोई डराने की कर रहा हो। अरे नहीं मुंबई ये चीज डराने की नहीं है हकीकत में कोई है यहाँ मैंने गाँव वालों से बात करी थी यहाँ पे कन्फर्म सच है ये चीज की कोई रखवाली कर रहा है। एक बार ना जाके नहीं देखेंगे ना तो लोग बोलेंगे कि
गए क्यों, डर क्यों गए यार? मीटर को जो ना बंद करते हैं, इसको बंद करो यार, इसको बंद करते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, ये एक्चुअल में डरा के चुड़ैल है कि क्या है ये। पीछे पीछे भाई मेरे को मुंबई जगह ठीक नहीं लग रही। इस पेड़ को देखो यार, ऊपर देखो वैसे लग रहा है इस पेड़ पे भी कोई बैठा है जैसे। पेड़ तो खतरनाक है, एक बार ना आके देखते हैं। आज बोला तो ये जरूरी है, अगर कोई हमला वमला करे ना तो भी देखना। इधर डर रहा है, सब डर रहा है क्या? हाँ उधर हम देखते हैं, आवाज आ रही है फिर से। उस दर्रा से निकल गए, इस दर्रा में आ रहे हैं। पूरी जगह छापी तो रखी है ओम भाई, उस पेड़ पे। कहाँ पे? उस पेड़ पे उल्टा लटक रहा था यार, उस पेड़ पे सामने वाले पे। हाँ यहीं पे भाई, आओ देखें क्या यार, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे दिखा था एंड उसके बाद गायब हुआ था यार। खतरा भी हो सकता है। देखो अगर अगर ये भूत हुआ तो ठीक है, अगर ये बहुत सारी गैंग वैंग का कुछ हुआ सीन, नहीं नहीं ओम भाई तो दिक्कत हो सकती है यार। इधर भी ऐसे लगा जैसे कोई कुछ चीज खड़ी हो। इस तरफ आओ, इस तरफ आओ आप एक बार। अरे देखो आराम से, अरे ये देखो यार, ये देखो खुदा हुआ है यहाँ पे, खुदा हुआ है। हाँ एक बार लाइट करना अंदर की तरफ। ओ भाई ओम भाई हो ना हो, ये जगह भी वही है, यहाँ पे भी खुदा हुआ है। देखो यहाँ माइनिंग हुई है, इसी वजह से रुकी हुई है, कोई ना कोई एक्टिविटी हुई थी इसीलिए आधी अधूरी छोड़ के भग गए यहाँ से। ये यहाँ से पत्थर निकाले गए थे जिसमें से सोने वोने लोगों से लोग निकलना स्टार्ट हो गया था। भाई मुंबई आपके लेफ्ट हैंड में देखो वहाँ ऊपर वो क्या। चलो यार थोड़ा सा ना क्या करते हैं आदि भाई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है जैसे। यार बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, घूम रहा है भाई भाई मुंबई। अरे यार बाहर से यहाँ से निकल लेंगे बाहर, इधर इधर तो और ज्यादा डीप है, जिधर आए उधर ही निकलना पड़ेगा। अरे यार निकल लो यहाँ से, इस तरफ इस तरफ, पीछे से पीछे से। चलो चलो मुंबई ध्यान से आ गया हूँ मुंबई, जगह से निकलो यार। हाँ यहाँ से अरे वहाँ पे था वो चीज़ होती ना बाइक बाइक। हाँ वो तरफ अरे अरे कंफर्टेबल नहीं लग रही है बिल्कुल भी। ये पता क्या लग रहा है, यहाँ पे था मेरे को तो इन पेड़ों से डर लग रहा है यार। यहाँ से निकलते हैं, चारों तरफ देखो भाई, एक बात नोटिस करो क्या है ना, चारों तरफ हरे पेड़ है। हाँ। ये पेड़ पूरा सूखा हुआ है, कितना अजीब है ये बारिश के टाइम में, और बारिश के टाइम में वो भी निकलते। हर एक छोटी चीज से डर लग रहा है यहाँ। ऊपर कहीं है, ऊपर कहीं है, कौन हो? यहाँ पे था मुंबई, जगह को छोड़ो यार। देखो आपका खजाना है, हम जा रहे हैं इसको छोड़ के यहाँ पे। निकलो 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 मुंबई जो। सामने वहाँ पे सामने गला पकड़ के गया कोई उधर यार, वही चीज मुंबई। मैं नहीं रुक रहा है यार, निकलो इसे कैसे फटाफट, इस तरह से बाहर निकलते सारे यार। भाई इधर करने करो, सुबह इधर करने, हार्ट बीट तेज हो गया यार मुंबई कसम से। उनसे निकल के आ गए, एक बात मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि अगर वो कोई इंसान होता तो एक जगह दिख रहा है, दूसरी जगह कैसे गायब हो जा रहा, कुछ समझ नहीं आया। जंगल काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, और इस सब दिखाने पर ये कितना अंदर है कुछ नहीं पता। हम तो स्टार्टिंग में ही थे, दिन में भी लोग यहाँ से यहाँ पे आने से डरते हैं क्योंकि जानवरों का खतरा बहुत ज्यादा है, जैसे वो चुड़ैल का खतरा कहते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और उस पेड़ से बाहर निकल रहे थे ना, हाँ। मेरे को सच में किसी ने ऐसे कोई सीने पे कुछ करा, और यहाँ देखो भाई यहाँ फोकस करके देखना, शायद यहाँ पे कुछ हुआ है ना, लगी है जैसे कुछ था, उसके नाखून थे पता नहीं क्या थे, लेकिन अटैक कराया उसने। अरे यार भाई कुछ समझ नहीं आएगी क्या था, आप लोग क्या लगता है कमेंट करके बताना। मिलते सुबह के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय भाई, निकलते हैं यार। बिल्कुल यार यहाँ तो रिस्की, यहाँ पे अगर चार पांच बंदे के साथ आए ना तो ठीक है, तो ठीक है, दो तीन लोग के साथ तो यार रिस्की है। बंद करो मैं कैमरा, बंद करो, निकलते हैं।